हेलो एवरीवन अ वेरी गुड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ऐसा लग रहा है हम एक घर में ही एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहे हैं है ना ऐसा लग रहा है एक घर में ही एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए हैं बस इतना सा अंतर हुआ है बाकी क्लासेस हमारी सेम है है ना चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग छोटू गुड मॉर्निंग इंजीनियर वर्क गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए स्टार्ट करें सेशन को फटाफट से फटाफट से सेशन को स्टार्ट करें लास्ट सेशन बहुत ही फैंटास्टिक रहा टाटा स्टील जेईटी की बात करते हैं या हम बात करेंगे यहाँ पर आर आरबी जेई एस एस जेई सभी के लिए सेशन आपका बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा और आज हम आर आर बी जेई का ऑफिशियल पेपर अगर हम बात करें तो शायद ये 29 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर है सीबीजी टू का ठीक है

सो ऑफिशियल पेपर है आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर जा करके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं यही क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे चलो फटाफट से द हेडिंग अप ऑफ द वाटर अबव इट्स नॉर्मल लेवल वाइल पासिंग अंडर द ब्रिज इज नोन एज हम बात करें ब्रिज के अंडर से पास हो रहा है तो क्या कहा जाएगा तो किसी कंडीशन के कारण क्या होगा पानी का लेवल ऊपर आ गया और पानी का लेवल ऊपर आ गया तो उसको क्या बोलते हैं अगर फ्री बोर्ड की बात करें तो क्या होगा, होगा डेप्थ जो हमारा स्कोरिंग होकर निकल करके आती है वो हम बात करेंगे वो कंडीशन निकल करके आएगी और हम बात करेंगे क्लियरेंस जो होगा वो अलग टर्म निकल करके आ रहा होता है ठीक है तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा एफ्लेक्स निकल करके आएगा फर्स्ट का आंसर क्या होगा एफ्लेक्स सेकंड का आंसर बताओ पैसिव सेंसर यूजेस अगर हम पैसिव सेंसर की बात करते हैं तो क्या निकल कर के आएगा फ्रीवोड अलग-अलग होता है फ्रीवोड अलग-अलग होता है ठीक है अलग-अलग कंडीशन में अलग-अलग फ्रीवोड -अलग होता है गुड गुड मॉर्निंग नहीं भाई अब गुड आफ्टरनून हो गया गुड मॉर्निंग पहले सेशन में था अब गुड आफ्टरनून हो गया मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास में आने में प्रहर बदल गया है चलो पढ़ा बढ़ते क्या होगा देखो पैसिव पैसिव सेंसर्स की बात करेंगे तो दो तरीके की रिमोट सेंसिंग होती है एक होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग होती है पैसिव रिमोट सेंसिंग ठीक है अगर हम बात करते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा आर्टिफिशियल सोर्स को हम यूज करते हैं एनर्जी इसलिए हम बात करें, सेंसर में क्या यूज़ करें जाएगा? सन एज सोर्स ऑफ एनर्जी लिया जाएगा कैसा लिया जाएगा सन को जो लिया जाएगा वो एज सोर्स ऑफ एनर्जी लिया जाएगा तो सेकंड की बात करेंगे ऑप्शन नंबर थ्री जो होगा हम अच्छा इसका एग्जाम्पल दे पाओगे क्या पैसे एग्जाम्पल दे पाओगे क्या अब पुराने समय में जो वो रील वाले कैमरा चलते थे तो अपर्चर खोलता था तभी जाके तो लाइट अंदर जाएगी लाइट अंदर जाएगी तो एक इंप्रेशन छोड़ती थी और उसी को क्या बोलते थे ने? वही हमारे एग्जांपल होते थे लेकिन एक्टिव का एग्जांपल क्या होगा सर सर कोई बताएगा एक्टिव का एग्जांपल क्या होगा अच्छा रिमोट पैसिव पे वाह भाई वाह रिमोट पैसिव पे काम करवा दोगे तुम रिमोट में सेल नहीं डालते उसका कोई कसौटी नहीं डालते हो एक्टिव में रिमोट हाँ तो अगर हम आते हैं एक्टिव में रिमोट भी होता है रडार भी होता है तुमने तो सुना रडार ना जब एरोप्लेन चलता है तो अपने सोर्स से ही जनरेट करता है पें, 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 पें। और वही वो वापस आती हैं और उन्हीं को सेंस करता है बैटरी सोलार बैटरी सोलार बैटरी कहां से होगा सोलार बैटरी कहां से होगा सोलार बैटरी कोई रेडिएशन जनरेट करता है कोई सेंसर लगा होता है उस पर सोलार बैटरी पे उल्ला सुनो ना रडार रडार की बात करेंगे रडार निकल करके आएगा ठीक है तो हम बात करें रडार रडार हम बात करते हैं यहां पर ठीक है तो हम बात करेंगे कहा तो हम बात करते हैं कंडीशन निकल करके रडार का फुल फॉर्म पता है रडार का फुल फॉर्म पता है चलो कमेंट सेक्शन में बताना नहीं पता है तो ढूंढ के बताना है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है चलो वाई दू मूरिंग्स प्रोवाइडेड अगर बात करते हैं वाई आर मूरिंग्स प्रोवाइडेड मूरिंग्स की बात करते हैं मूरिंग्स को क्या बोलते हैं लंगर ठीक है मूरिंग्स को क्या बोलते हैं लंगर लंगर की बात करेंगे तो हम जिनको नहीं आता है इंग्लिश में समझना है एक बार हिंदी पढ़ लिया करो तो हिंदी से और बेटर समझ में आएगा अब तुम्हें बिल्कुल समझ में आएगा लंगर किस लिए यूज करेंगे लंगर किस लिए यूज करेंगे किसी भी चीज को एंकर करने के लिए चाहे शिप को एंकर करो चाहे क्रूज को एंकर करो उन सबको एंकर करने के लिए क्या करेंगे हम लंगर का यूज करते हैं ठीक है थीके? तो हम लंगर का यूज करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा रेडियो डिटेक्शन ठीक है बहुत बढ़िया

तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये क्या होगा अगर पाइल में हमने पाइल कैप लगा देते हैं जब हम पाइल के ऊपर क्या लगाते हैं पाइल कैप तो इस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पर हिंज की तरह काम करता है नीचे की तरफ क्या करता है फिक्स्ड की तरह काम करता है तो एक जगह पे फिक्स होगा एक जगह पे हैं. बट अगर हम देखें तो पाइल कैप जनरली हम नहीं अगर हम जनरली हम लगाते हैं और जब नहीं लगाएंगे तो दोनों तरफ किस तरीके से काम करेगा हिंज की तरह काम कर सकता है दोनों तरफ हम बात करते हैं यहां पर तो हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये कंडीशन निकल करके आएगी तो हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ की बात करेंगे ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा हो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फोर्थ की बात करेंगे फिफ्थ की बात करो फटाफट से आंसर दो फिफ्थ का आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर सही कथन की बात कीजिएगा क्या होगा सही कथन की बात कीजिएगा क्या होगा सही कथन निकालना है कि सही कथन हमारा क्या होगा सही कथन कथन की बात कर रहे हैं ठीक है लेकिन किसके रिगार्डिंग भैया टिम्बर की स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग है ये सारे के सारे किसके रिगार्डिंग टिम्बर स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग है ये सारे के सारे ठीक है ये नहीं लिखा है किसके रिगार्डिंग है पाइल कैप अगर हम बात करते हैं पाइल कैप पाइल को एक ही जो सारे के सारे पाइल ग्रुप है उसको एक पोजीशन में रखने के लिए पाइल कैप यूज करते हैं जनरली हम पाइल कैप यूज कर ही रहे होते हैं पाइल ग्रुप के केस में ठीक है तो क्या होगा अगर हम बात करते हैं यहां पर जो ये कंडीशन निकल कर के आएगी वो क्या होगा वो लाइटर की स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन फोर्टी डिग्री टू द ग्रेन ग्रेन के फोर्टी डिग्री पर मैक्सिमम होती है नहीं भैया

ऐसा चल रहा है ना कि ये लोग परेशान ही हो रखे ये अलग ही परेशान हो रखे हैं कास, कास, कास। और पता है इनकी हालत ये ऐसी क्यों हुई है तुम लोग की ये पता है इन लोगों की हालत ऐसी क्यों हुई है सुना दू क्या सुना दू क्या इनको इनकी ऐसी हालत क्यों हो गई है सुनना चाहोगे क्या सुनो इनकी हालत सुनो ऐसा है इतना ये एक एक दर्द भरा कवि है दर्द भरा कवि है ठीक है तो सुनो अबे सुन तो लो पूरी बात कि इतना आसान नहीं है तुम्हें लिखना ठीक है वो क्या बोल रहा है दर्द भरा कवि क्या बोल रहा है कि इतना आसान नहीं है तुम्हें लिखना हर अक्षर में तुम महसूस होते हो इतना आसान नहीं है तुम्हें लिखना कि हर अक्षर में तुम महसूस होते हो लिखकर भी सबसे छुपा लेता हूं तुम्हें या छुपा लेती हूं ठीक है लिखकर भी सबसे छुपा लेता हूं तुम्हें और मेरे लफ्जों में तुम हमेशा महफूज रहती हो समझे तो ये मानसिक संतुलन बिगड़ गया है चौदह फरवरी के बाद से ऐसी हरकतें हो रही हैं तो लोग नाम बदलते ही नजर आएंगे अब हरकतें ही ऐसी की हैं कि नाम बदलते ही नजर आएंगे ये केवल ठीक है तो ये नाम बदलते ही हुए नजर आएंगे इन्होंने हरकतें ही ऐसी कर दी कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं मुझे सही नाम के साथ चलो फटाफट पट से क्योंकि ये बीच में क्लास में आए नहीं और मैंने क्या बोला था चौदह तारीख के बाद सब यही आएंगे वापस लौट के कोई दिक्कत नहीं आ जाओ वे आ जाओ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा कोई दिक्कत नहीं तुम कहीं से भी रोके आओगे मैं तुम्हारे आंसू साफ करूंगा मैं यहां बैठा हूं तुम्हें सिलेक्शन दिलाने के लिए ठीक है चलो ओके चलो तो फिफ्थ नंबर की बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर निकल करके आएगा क्या होगा अरे समझ में नहीं आता ये ये मतलब जब भी शायरी सुनाओ तो ये तीस पैंतीस बच्चे जाने अचानक से बढ़ के पैतालीस पचास कैसे पहुंच जाते हैं कैसे पता चल जाता है सर शायरी बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आता पूरे सेशन में शायरी बोलूं क्या तो फिफ्थ की बात करेंगे ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर निकल करके आएगा तो फिफ्थ की बात करेंगे ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा राइट right आंसर निकल करके आएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सिक्स नंबर का आंसर सिक्स नंबर का आंसर तो फटाफट से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया

अगर देखो हम बात करते हैं एक सोर्स है जो खुद ही एल्यूमिनेट कर रहा है क्या कर रहा है खुद ही कर रहा है और उसके बाद डिटेक्शन भी खुद ही करना है तो आर्टिफिशियल सोर्स हो गया या नहीं कैसा हो गया है आर्टिफिशियल सोर्स हो गया है या नहीं चलो तो आर्टिफिशियल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स के लिए कौन सा होगा एक्टिव रिमोट सेंसिंग निकल करके आएगा क्या होगा एक्टिव रिमोट सेंसिंग निकल करके आएगा इसलिए हम बात करें ऑप्शन नंबर सी मतलब एक्टिव और पे से, पे से, पे, एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन आ गए एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन आ गए ध्यान रखना ठीक है तो सिक्स नंबर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा सेवंथ की बात करो फटाफट से रिनॉल्ड्स नंबर इज फिल इन द ब्लैंक्स देन द फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू अ पाइप इज लैमिनार अगर लैमिनार फ्लो की बात करना है तो लैमिनार फ्लो के केस में लैमिनार फ्लो के केस में जो निकल कर आएगा ठीक है तो हम बात करते हैं न्यूट्रल रिमोट सेंसिंग क्या होता है बेटा न्यूट्रल रिमोट सेंसिंग कुछ नहीं होता है एक्टिव और पैसिव होता है ठीक है तो हम बात करेंगे क्या होगा लेस देन 2000 निकल करके आता है और 2000 से 4000 ट्रांजिशन और 4000 के ऊपर क्या होगा हम बात करते हैं यहाँ 4000 के ऊपर क्या होगा 4000 के ऊपर जो निकल कर वो हमारा टर्बुलेंट हो जाएगा अच्छा अगर मैंने यहाँ पर पाइप ओसी ओसीएफ की बात करेंगे तो कितना होगा ओसीएफ के केस में लेस देन फाइव हंड्रेड से टू थाउजेंड ट्रांजिशन और टू के ऊपर जो होगा वो टर्बुलेंट निकल करके आएगा के लिए कितना इक्वल टू वन निकल करके आता है ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर लेस देन इक्वल टू वन निकल करके आ पैरल प्लेट्स के लिए लेमिनार फ्लो के लिए कंडीशन क्या होगी पैरल प्लेट्स के लिए लेमिनार फ्लो के लिए कंडीशन क्या होगी पैरल प्लेट्स के लिए क्या होगी, होगी? जल्दी बताओ उज निकल करके आता है क्या होता है थाउजेंड निकल करके आता है तो seventh की बात करेंगे option number four is the right answer. Eighth की बात करोगे तो, तो ऐसे गर्डर को क्या नाम दिया जाता है ऐसे गर्डर को हम बात करते हैं क्या नाम दिया जाता है एक बार फटाक से जल्दी से सेशन को शेयर लाइक करो और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेली क्लासेस मेरी सुबह दस बजे होती है मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे को ग्यारह बजे होती है सैटरडे संडे कितने बजे ग्यारह बजे होती है मंडे टू फ्राइडे कब होती है सुबह दस बजे निकल करके आ रही होती है तो सभी लोग ज्वाइन करेंगे ठीक है और टेलीग्राम यहां पर है वैभव सर सुपर कोचिंग इसको ज्वाइन कर लो सभी लोग तो क्या होगा गर्डर्स की बात करेंगे दो से ज्यादा गर्डर्स होते तो उसको क्या बोलते हैं बॉक्स गर्डर बोला जाएगा ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर बॉक्स गर्डर बोला जाता है बॉक्स गर्डर प्लेट गर्डर की बात करेंगे तो क्या होगा आई सेक्शन के फॉर्म में निकल कर क्या आता तो यहां पर एक ही वेब होगी यहां पर एक ही वेब होगी गेंट्री गर्डर प्लेट की तरह होता है बस जो हम बात लोडिंग कंडीशन में अलग निकल करके आ रहा होता है ठीक है और हम बात बैलेंस गर्डर ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो हम बात करें, की बात करेंगे की ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर नाइन्थ की बात करो फटाफट से ओल्ड टाइप ऑफ पाइल ड्राइविंग विच इज बैंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ड्यू टू दीड हैवी साउंड एंड वाइब्रेशन इज कॉल्ड एस सिर्फ बारह लाइव सिर्फ बारह लाइव गर्डर लॉन्ग पान विंग को बोलते हैं सही बात है ठीक है बड़ी नाइंसाफी है तो इसको क्या बोलते हैं हम हैमर ड्राइव इन पाइल अगर हैमर के कारण देखें तो बहुत ज्यादा होता है बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं इसलिए हम क्या करेंगे इसको मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बैंड कर दिया गया है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हम बात करते हैं यहां पर हम बात करते हैं यहां पर तो ये कंडीशन निकल करके आती है तो नाइन्थ की बात करेंगे ऑप्शन नंबर वन करेंगे फटाफट से टेंथ की बात करेंगे फटाफट से जल्दी वा यार गजब का टैलेंट है दो चार और गाने ढूंढ लाओ बहुत बढ़िया अरे पुतिन भी आए हैं आज चलो मिल गई अगर फुर्सत तो एफ आर सी का मतलब बताओ पहले तो एफ आर सी का मतलब बताओ एफ आर सी का मतलब बताओ फटाफट से एफ आर सी का मतलब बताओ फटाफट से एफ आर सी का मतलब अगर एफ आर सी का मतलब होता है तो एफआरसी का मतलब क्या होता है एफआरसी का मतलब होता है फाइबर रेनफोर्स क्या होता है Fiber reinforced concrete की बात करेंगे और सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी बोला जा रहा होता है क्या बोलता है हम बात करते हैं यहां पर सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी बोला जा रहा होता है तो टेंथ की बात करेंगे ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर होगा टेंथ की, की बात करो फटाफट से यहां पर एम जो हम बात करते हैं द बेस्ट टाइप ऑफ क्रशर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम सेंड इज एम सेंड को मैनुफैक्चर करने के लिए जो बेस्ट 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 निकल कर क्या आता है वो क्या है बेस्ट 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 निकल कर क्या है वो क्या है ठीक है बेस्ट 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 की बात करेंगे ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यहां पर तो एम सेंड की क्रशिंग के लिए जो हम क्रशर यूज करते हैं वो क्या होता है वी एस आई क्रशर होता है अगर वी एस आई की बात करेंगे तो वी एस आई क्या होता है वीएसआई क्या होता है वीएसआई वीएसआई। अगर हम वीएसआई की बात करेंगे तो वीएसआई क्या होता है वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्टर निकल करके आता है क्या होता है वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्टर कहा जाता है इसको क्या होता है वर्टिकल शाफ्ट इम्पेक्टर जो होता है वो हमारा एम सेंड के लिए ज्यादा सुटेबल निकल करके आ रहा होता है ठीक है तो हम बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं वीएसआई क्रशर बोला जाता है और वीएसआई एस क्रशर क्या होता है वर्टिकल शाफ्ट इम्पेक्टर कहा जाएगा तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ट्यू जो होगा वो हमारा राइट right आंसर निकल करके आएगा ठीक है चलो ट्वेल्थ नंबर का आंसर दो फटाफट से ट्वेल्थ नंबर का आंसर दो फटाफट से अरे यार दो तीन दिन पहले ही मैंने ये सारा कुछ पढ़ाया है पढ़ाया है या नहीं दो तीन दिन पहले ही सारी कुछ चीजें बताई हैं यस और नो अगर हम आते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा उठा फटक के ऐसा फेंकूंगा ना कहा झुमरी तलैया में सब सबके सब झुमरी तलैया में गिरोगे दो दिन पहले सारे फॉर्मुला बताए आर का फॉर्मूला बताया रेंज का फॉर्मूला बताया टाइम का फॉर्मूला बताया हाइट का फॉर्मूला बताया तब भी गलती कर रहे क्या हो क्या होगा हम आपके यू स्क्वायर साइन अल्फापॉन टू जी निकल है कितना होता है स्क्वायर अल्फा टू जी निकल है बेसिकली अगर हम देखें तो यू स्क्वायर स्क्वायर थीटा टू जी वीवाई के फॉर्म में निकाले तो ठीक है और अगर हम बात करते हैं यहां पर देखो टाइम क्या होता है टू वी साइन अपॉन जी निकल के आएगा तो टू वी साइन अपॉन जी होगा रेंज क्या निकल के आती है वी स्क्वायर साइन टू अपॉन जी निकल करके आता है यहाँ पर तो अपॉन जी निकल करके आ रहा होता है अच्छा ये बताओ अगर हमने projectile motion किया तो कौन सा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा अगर हम देखेंगे एक्स कंपोनेंट हम देखेंगे वाई कंपोनेंट या हम देखेंगे दोनों कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं रहेंगे या हम बात करेंगे दोनों कंपोनेंट कांस्टेंट रहेंगे जल्दी बताओ अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं तो कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा या कौन सा नहीं रहेगा तो हम बात करते हैं कहाँ जा रहे हो प्यू बिल्कुल सेशन के लास्ट तक रहना है फटाफट पढ़ से गधे हो तुम लोग गधे क्या हो, कौन हो गधे और तुम्हारा मास्टर और भी बड़ा गधा ऐसे गधों को पढ़ा रहा है गधों को घोड़ा बना रहा है।, है चलो बहुत बढ़िया ये बताओ जब यहां से प्रोजेक्टाइल जाएगा तो यहां से आएगा यूएक्स ये आएगा u और ये क्या होगा यू एक्स ठीक है और ये क्या होगा यू वाई होगा ठीक है लेकिन ये मास्टर गधों को घोड़ा बना के ही छोड़ेगा टेंशन मत लो गधों को घोड़ा बना के ही छोड़ा चलो तो अगर आप देखो यहां पर अगर ये कंपोनेंट है इस पर कोई एक्सेशन डी एक्सेशन काम कर रहा है मुझे ये बताना जरा सा अगर ये है तो इस पर कोई एक्सरेक्सेशन काम कर रहा है नहीं ना तो ये कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है रे बाबा समझ में आया समझ में आया और ये वाला कंपोनेंट क्या है ग्रेविटी एक्सप्लोरेशन के रिस्पेक्ट में तुम ऊपर फेंकोगे तो क्या ऊपर ही भागता जाएगा कांस्टेंट स्पीड का मतलब समझ रहे हो ना कि तुमने पत्थर को ऊपर फेंका वो ऊपर ही जाता जा रहा है तुम शक्तिमान हो क्या है या आरमान हो कौन हो तुम शक्तिमान हो क्या ऊपर फेंकोगे ऊपर ही जाता जा रहा है और ये ऑफिशियल पेपर है किसका आरआरबी का ऑफिशियल पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूं समझे तो हॉरिज़ॉन्टल क्या रहेगा कांस्टेंट ये क्या रहेगा इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इसके कारण क्या होगा चेंज होता जाएगा क्या होता जाएगा चेंज होता जाएगा समझे बात को या नहीं समझे बात को या नहीं हां या ना बताओ समझे तो ये क्वेश्चन अगर देखो ऑफिशियल पेपर में ये सब पूछा गया है तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखने पड़ेंगे अब ये मत बोलना कि ये प्रोजेक्टाइल तो पढ़ना नहीं है ये नहीं करना वो नहीं करना ऑफिशियल आरआरबी ने पूछा है तो आरआरबी कर रहे हो तो पूरा पढ़ना पड़ेगा समझे चलो तो हम बात करते हैं यहां पर ट्वेल्थ की बात करेंगे हमारा दिस वन इज द राइट आंसर के बाद की बात करो फटाफट से थर्टीन का आंसर दो हाँ वाई चेंज होगा एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है चलो फटाफट से आंसर दो फटाफट पड़ से आंसर दो फ्लेक्सिबल कर्व कंसिस्ट ऑफ द लीड बार इन साइड रबर विच वैंड कन्वीनियंटली टू ड्रॉ स्मूथ कर्व थ्रो एनी सेट ऑफ पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग एड इज दिस तो ये किसका है ईडी का क्वेश्चन है

हम बात करें मैक लेंस के बीच कनेक्शन हो सो वो हमारा स्केल डिवाइडर का मतलब दो पार्ट में डिवाइड करने वाला है दो पार्ट में डिवाइड करने वाला उसको क्या बोलते हैं डिवाइडर कहा जाता है की बात करेंगे ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा की बात करो फटाफट से कौन सा क्लास ऑफ लीवर है फलकर्म प्लेस्ड बिटवीन द एफर्ट एंड लोड अब फलकर्म क्या होता है तुम्हें पता है पहले तो ये बताओ फलकर्म पता है क्या होता है बहुत बढ़िया नहीं पता ओ, ये देखो अगर हमने बात किया है ये ये पॉइंट है सुनो ये पॉइंट है ये हमारा लीवर हो गया यहाँ पर लोड है यहाँ पर हम एफर्ट लगाएंगे इसको घुमाने के लिए तो जिस पॉइंट के अबाउट हम इसको घुमाएंगे वो कहा जाता है फलकरण जो जिस पॉइंट के अबाउट इस तरीके से तो घुमाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं उसको हम बात करते हैं यहाँ पर तो वो उसको बोलते हैं फलकर्म बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं फलकर वो पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन होगा जिसके अबाउट हम बात करते हैं कंडीशन निकल करके आएगा वो हमारा फलकर्म कहा जाता है क्या होता है फलकम कहा जाता है ठीक है तो फलकम अब देखो यहाँ पर तीन क्लासेस होती होती क्लासेज केवल फोर्थ वाली तो होती भी नहीं है फोर्थ वाली क्लास तो पॉसिबल भी नहीं है ठीक है फोर्थ वाली क्लास पॉसिबल नहीं है तो जब हम बात करें फलकर्म इस प्लेस बिटवीन द एफर्ट एंड लोड एफर्ट एंड लोड के बीच में फलकर्म होगा तो उसको क्लास वन बोला जाएगा क्या बोला जाएगा क्लास वन क्लास टू के केस में क्या होगा जो लोड होगा वो इन बिटवीन फलकर्म एंड एफर्ट निकल करके आएगा जो लोड होगा लिख लो क्लास टू के बारे में लिख लो अगर लोड होगा इन बिटवीन फलकर्म और एफर्ट के बीच में निकल करके आएगा फलकर्म और एफर्ट के बीच में निकल करके आएगा वो लोड इन बिटवीन होगा अगर हम बात करके क्लास थ्री में क्लास थ्री में एफर्ट जो होगा इन बिटवीन आ जाता है क्या होता है एफर्ट जो होता है वो इन बिटवीन निकल करके आता है एफर्ट जो होता है वो क्या होता है इन बिटवीन निकल करके आएगा तो हम बात करते हैं यहां पर उसको क्या बोलेंगे उसको ऑप्शन नंबर टू बोला जाएगा ये क्वेश्चन कितने लोगों के लिए नया है ठीक है किस वर्ग के उत्तुलक में आलम्ब आयास और भार के बीच स्थित होता है आलंब की बात करेंगे फलकर्म हम आपके आयास और भार के बीच हम बात करते हैं यहां पर निकल करके आ रहा होता है ठीक है सो हम बात करेंगे ये बिल्कुल नया क्वेश्चन कई लोगों को मिल रहा है जो सीबीटी टू के अंदर पूछा गया है रेलवे के अंदर पूछा गया है समझ में आ रहा है डिटेल अब फलकर्म समझ में आया जैसे हम प्राइवेट पॉइंट बात करते हैं वही फलकर्म होता है यहां पर एक तरीके से और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है लीवर है ये क्या है डिस्टेंस जो है वो लीवर है और यहां पर क्या लगाओगे लोड यहां पर एफर्ट्स बात करते हैं ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ठीक है मैकेनिक्स का क्वेश्चन है बहुत बढ़िया चौदह नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर निकल कर क्या ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ठीक है फिफ्टीन की बात करो फटाफट से फिफ्टीन की बात करो फटाफट से बोले सर कहां, कहां से लाते हो क्वेश्चन ठीक है, फिफ्टीन नंबर फिफ्टीन नंबर का आंसर क्या होगा हिमांशु है क्लास में कल ही हिमांशु से बात हुई थी हिमांशु को बोला मैंने साइलोस और बंकर पढ़ लेना बोला है लो साइलोस का क्वेश्चन आ गया ठीक है क्या बोल रहे हैं तो हम द लार्ज स्टील सिलेंड्रिकल मेटल कंटेनर्स यूज्ड इन आरएमसी प्लांट्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग सीमेंट एंड और फ्लाई गैस सीमेंटियस मटेरियल आर नीमडेड इन मटेरियल को क्या नाम दिया जाता है इन मटेरियल को नाम दिया जाता है साइलोस अगर हमारे यहाँ सीमेंट अगर हमारे स्टील प्लांट है जिसको सीमेंट और हम बात करते हैं फ्लाई क्लाइएस के भंडारण के लिए यूज किया जाता है उनको रखने के लिए यूज किया जाता है ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर तो मुन्नी आज नहाया नहीं है मैंने तुम भी मत नहाना तुम भी ब्यूटीफुल लगोगे डेली के डेली ठीक है नहाया मत करो सुंदरता कम हो जाती तुम भी मत नहाया करो ब्यूटीफुल लगोगी लेकिन ये क्वेश्चन आएगा कि सर आज हैंडसम क्यों लग रहे थे तो मैंने बता दिया करेंट अफेयर का क्वेश्चन है सब लोग नोट कर लो करंट का क्वेश्चन है नोट कर लो सब लोग चलो तो हम आगे 15 की बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा राइट right आंसर निकल करके आएगा ठीक है अब हंसने क्यों लगते हो तुम लोग यार ऐसी हंसने वाली कौन सी बात कर दी हंसने लगते हो तुम लोग यार रोस्टिंग थोड़ी ना कर रहा हूं मैं सही बता रहा हूं सुबह सात बजे उठा था बस तब नहाया था फिर सो गया फिर फिर नहाया नहीं दोबारा उठने के बाद हंसने लगते तुम लोग चलो तो 15 की बात करेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर निकल करके आएगा ठीक है ऑप्शन नंबर थ्री जो होगा वो हमारा राइट right आंसर निकल करके आ गया ठीक है तो हम बात करते हैं फिफ्टीन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर चलो अब देखो यहाँ पर जो है तो पर कंक्रीट मिक्सर जो होता है वो होमोजीनियसली सीमेंट एग्रीगेट सच एज द सैंड एंड एंड ग्रेवल वाटर टू फॉर्म कंक्रीट तो एस देंगे आरएमसी का काम क्या होगा ये कंडीशन निकल कर जाएगा स्क्रू कन्वेयर एंड ऑगर कन्वेयर की बात करेंगे ठीक है टू मूव पाउडर और ग्रेनुलर मटेरियल अगर हम बात करते हैं पाउडर और ग्रेनुलर मटेरियल को मूव करवाना है तो स्क्रू कन्वेयर की बात हम यहाँ पर कर रहे होते हैं ठीक है तीसरा स्क्रैपर की बात करेंगे व्हील ट्रैक्टर की बात करें इट इज इजी इक्विपमेंट यूज फॉर द अर्थ वॉर्मेंट अर्थ वॉर्मेंट के लिए हम यूज करते हैं और हम बातें साइलोस की बात करेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया तो चारों का डिस्क्रिप्शन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है सिक्सटीन नंबर का आंसर दो फटाफट से ये तो सभी को पता ही है ये तो क्वेश्चन सभी को पता ही है फटाफट से वाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन अब पूछा गया है तो क्या करें ऑफिशियल पेपर करवा रहा हूं मैं सोल्व अब जो भी पूछा जाएगा वही तो बताऊंगा ऐसा थोड़ी ना कुछ भी उठा के बता दूंगा जो पूछा जाएगा वही तो बताऊंगा चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पर तो हमारा क्या है सॉइल यहां पर भी दिया गया है ठीक है और अगर सॉइल में बात करें एक यूनिट के है और एक यूनिट क्या है पाइप के निकलते दोनों की लेयर की थिकनेस इक्वल है तो मतलब एच है और ये एच है ठीक है अब वर्टिकल डायरेक्शन में केवी निकालना है तो केवी की वैल्यू कितनी होगी हम एच वन प्लस एच टू अपॉन एच वन वन प्लस एच टू बाइव के आएगा प्लस एच बाई के निकल करके आएगा तो ये कितना आ जाएगा फाइव बाई थ्री के निकल करके आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइव बाई थ्री के इज द राइट आंसर निकल करके आएगा ठीक है तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक कंडीशन निकल करके आएगी तो यहां पर हमारा फाइव बाई थ्री निकल करके आएगा दूसरा अगर के एच की वैल्यू निकालते तो के एच की वैल्यू कितना होता के इक्वल टू कितना होता अगर हम देखें तो के वन एच वन के वन एच वन प्लस के टू एच टू, टू अपॉन कितना एच वन प्लस एच टू निकल करके आता और हमेशा जो डायरेक्शन डायरेक्शन की होती 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 है 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 वो वर्टिकल से क्या ज़्यादा ज़्यादा निकल करके आती है। कितना होती है? निकल आती कितना आ रही राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू जाएगा सिक्सटीन सेवनटीन की बात करो फटाफट से 17 की बात करो फटाफट से क्या होगा सेवनटीन का आंसर तो फटाफट से बहुत बढ़िया अ प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ियालूड द अगर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें क्या क्या इंक्लूड करेगा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें क्या होगा इक्विपमेंट एंड ओवरहेड कॉस्ट निकल करके आएगा बिल्कुल इक्विपमेंट एंड ओवरहेड कॉस्ट करेगा लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट करेगा बिल्कुल करेगा प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रेक्टर ये तीनों चीजें कंसिडर कर रहा होता है इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो हमारा राइट right आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर निकल के तो 17 की बात करेंगे ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर की बात करो फटाफट पड़ से 18 की बात करो फटाफट से तो ध्यान रखो मंडे टू फ्राइडे सुबह दस बजे क्लास और सैटरडे संडे सुबह ग्यारह बजे क्लास होती है अपनी तो कोई भी मिस ना करे ओके चलो द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अगर हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सबसे पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात करेंगे सबसे पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था अगर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या कहें तो द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ नॉर्थ सी और प्रोटेक्शन ऑफ नॉर्थ सी पर हमारा क्या किया था अब क्योटो प्रोटोकॉल वियना हम्मा कांडा अर्थ समिट ये तीनों की बात करेंगे तो क्या निकल कर के आते हैं उसके पहले हम थोड़ा सा समझ लें इसके बारे में किसके बारे में हम बात करते हैं प्रिकॉश प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में द प्रिंसिपल स्टेट दैट वेयर देयर आर थ्रेट्स ऑफ सीरियस और इन रिवर्सिबल डैजेजLack of full scientific certainty certain certainty shall not be used as a reason for पोस्टपोनिंग कॉस्ट इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट देकर के भी पूछा पूछा जाता है है पूरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि ये किसका प्रिंसिपल है इसलिए मैंने इसको यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ये स्टेटमेंट देकर भी पूछ सकता है इस बार के पूरा का पूरा ये किसका प्रिंसिपल है तो उसके बारे में बता सकता है तो ये भी यहाँ पर है दूसरा अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था नाइनटी अच्छा हाँ एक और चीज अगर ये हमने प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल देखा तो ये कब आया था अगर हम बात करें तो ये 1984 में आया था ध्यान रखना ये कब आया था 1984 में आया होता फोर में आया था 1944 में आया था 1984 ठीक है तो ये कंडीशन निकल कर के आया 1984 और अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो 1997 में आया है जो कि सी ओ थ्री सी थ्री की बात करेंगे ऑफ यू एन एफ सी सी के अंतर्गत निकल के आया था और इसका काम क्या है बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन के टारगेट करना डज नॉट स्पेसिफाई मेंशन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ठीक है वियना क्शन कितना आया 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 1985 1985 में आया था. आया था? 1985 में आया था 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 वियना कब क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ध्यान रखना क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन है उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएगा ठीक है तो हम बात करेंगे कंडीशन होगा देन अर्थ समिट की बात करेंगे तो अर्थ समिट कब हुआ था 1992 में हुआ था यूएन कॉन्फ्रेंस में हुआ था एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट के अंदर ठीक है रियो डी रियो हम बात करें ब्राजील के अंदर इसका हम बात करते हैं हेडक्वार्टर निकल करके आता है और इसकी बात करेंगे साथ ही साथ कहा जा रहे हो सौरभ ठीक है सौरभ आज स्पीड चल रही है ज्यादा क्वेश्चन कराओ आज स्पीड चल रही तुम जा रहे हो हमें अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को लेकिन क्या करें जाने वाले को, को कोई रोक पाया तुम लोग बताओ चलो यार सेशन बीच में मत छोड़ो मैं बोल रहा हूं कंटिन्यू करो हाँ अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो हम बात करते हैं वो कंडीशन निकल करके बेटा एक आध पेपर आया था जो थोड़ा सा टफ आया था ठीक है एक आध शिफ्ट आया था जो थोड़ा सा टफ आया था तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है तो उसके लिए पूरा का पूरा सोल्यूशन तो करवा रहा हूं उनका डिस्कशन कर रहा हूँ सो देट तुम्हें मिल जाए इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है तो केबल पीडीएफ लेकर के काम होना अच्छा है कि ये सारी चीजें डिस्कशन होना अच्छा है चलो फटाफट से आंसर दो सेशन को शेयर लाइक करो फटाफट से आर कहीं से भी पूछ लेता है कोई दिक्कत नहीं है।, है जीके का ही क्वेश्चन सर आर आरबी जेई और एस एस सी जेई में कौन इजी बेटा इजी तो गोदरेज है बेटा इजी तो गोदरेज है बाकी सब एग्जाम है देख लो तुम तो। ठीक है चलो तो हमने बात की यहां पर कौन सा था 18 नंबर का आंसर जो निकल करके आया ठीक है तो हम बात करते हैं 18 नंबर 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 का आंसर जो आया 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 वो ऑप्शन ऑप्शन पर पर निकल कर के आया। यहाँ पर निकल है है ठीक है चलो ऑप्शन नंबर टू एटीन की बात हैं नाइनटीन का आंसर दो फटाफट से नाइनटीन का आंसर दो फटाफट से जल्दी फटाफट से, से सेशन को शेयर और लाइक कर दो और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फटाफट से चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर अगर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर को निकालना है ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर बेटा एग्जाम लेवल देखा जाए तो हम दोनों का बराबर ही रहता है एकाध शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन मिल गए बट जो कट ऑफ जैसे हम बात करें कट ऑफ भी गई थी तो कई रीजन की 50 परसेंट ही कट ऑफ गई थी क्या एसएससी में 50 परसेंट कट ऑफ जाती है उस समय एसएससी में कितना 120 130 मार्क्स तक कटऑफ जा रही थी अभी ये भी 108 जा रही है 50% परसेंट के ऊपर ही जा रही है ना तो कई रीजन में 48 46 मार्क्स तक ही कटऑफ गई थी तो आरआरबी क्या करता है रीजन वाइज है जिसके कारण से डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है आरआरबी जब वैकेंसी निकालता है तो रीजन वाइज निकालता है जिसके कारण से नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हर रीजन के अलग-अलग तो किसी रीजन का कट ऑफ ज्यादा जाएगा किसी का कम जाएगा उस बेसिस पे आप ये नहीं डिसाइड कर कि कौन सा टफ है कौन सा है। समझ रहे हो ना मेंटेलिटी समझो तो मैं बता दिया जाता है कुछ भी नहीं है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके के हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी भी तो है तो अपना दिमाग यूज करना शुरू करोगे तुम्हें क्या बता दिया जाता है और तुम क्या समझ रहे हो समझे ना और व्यवसर की बात है कि सीधी सीधी बात बोल देते हैं और इसलिए इसलिए क्या होता है सेशन में बच्चे नहीं आते हैं इसलिए सेशन में बच्चे नहीं आते वैव के तुम्हें तो पता है ना ये बात क्यों नहीं आते हैं इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो आदमी पढ़ाता ज्यादा है बातें यह वहां की बातें वो एग्जाम कब आएगा रिजल्ट कब आएगा ये बातें नहीं करता है तो फेमस ही नहीं, नहीं है वो आदमी किसी को पता ही नहीं है चलो और पढ़ना है तो यही सेशन में आया हुआ मैं बता दे रहा हूं चलो तो 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 हम देखो, निकालने के लिए हम हार्डनेस आराम से जाता है, है? है, है? ठीक ठीक बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वाटर जो होगा, वो हार्डनेस को करता है, अच्छा एक बार दिल से बताना तुम लोग तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारे इन सेशंस को करने के बाद चीजें इंप्रूव हुई है चाहे तुम क्वेश्चन में देखो या तुम्हारे पढ़ने को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के केस में देखो क्या ऐसा लगा है कभी ठीक है तो ये सारी चीजें शेयर किया करो टेलीग्राम पे भी शेयर करो जो बच्चे इनएक्टिव मोड में बैठे हैं कि एग्जाम आने पे कर लेंगे ना तो उनको बताओ ठीक है और आपस में डिस्कशन जरूर करो चलो न्यू क्वेश्चन होते हैं ओके okay, बहुत बढ़िया तो देखो अगर हम हैं फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होगा पूरा पूरा हार्डनेस रिमूव नहीं होगा फिल्ट्रेशन में क्या होगा जो एलिमेंट होंगे इनऑर्गेनिक सबस्टेंट होंगे तो हम बात करते हैं वो कंडीशन निकल करके आएगा ठीक है तो हम बात करते हैं यहाँ पर तो तो ये कंडीशन निकल करके आएगा ठीक है तो हम बात करेंगे ये भी होगा होगा लाइम लाइम ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट अगर तो वो भी क्या होगा लाइम भी हमारा टेम्प्री हार्डनेस के लिए निकल के आएगा। लेकिन जो, जो होगा होगा वो क्या हो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर रहा होता है ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर तो ये कंडीशन निकल करके तो बात करेंगे ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर ट्वेंटी की बात करो फटाफट से शुक्रिया शुक्रिया गाइस फीडबैक यार कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि सो दट बाकी बच्चों को हेल्प मिले ठीक है चलो फॉर्मेशन ऑफ स्नो अकर्स इफ द क्लाउड टेम्परेचर इज ठीक है अगर हम बात करते हैं यहां पर तो ये कंडीशन निकल करके आती है पटाफ बताओ अब मुन्नी अभिषेक गोयल के पीछे पड़ गई ले चलो फॉर्मेशन ऑफ स्नो अभ्य नहीं आ रहा ना आजकल इसलिए ऐसा हो रहा है नहीं तो ये मुन्नी अभय के पीछे पड़ गई चलो तो हम फॉर्मेशन ऑफ स्नो अकर्स इन द क्लाउड टेम्परेचर इज ठीक है इफ द क्लाउड टेम्परेचर इज अगर हम बात कह क्लाउड टेम्परेचर की बात है देखो अगर क्लाउड स्नो का फॉर्मेशन कब होगा भैया स्नो के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए टेम्परेचर बहुत कम चाहिए मतलब जीरो डिग्री के भी कम चाहिए और जीरो डिग्री के कम चाहिए मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाना चाहिए जब जब हमारा स्नो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा स्नो का फॉर्मेशन तो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाना चाहिए तब तो जाके स्नो का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा फ्रीजिंग पॉइंट जीरो पे भी हो सकता है ऊपर जाने पर फ्रीजिंग पॉइंट जीरो से कम पर भी हो सकता है ठीक है या जीरो से ज्यादा पे भी हो सकता है तो इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होंगे तो स्नो नहीं होगा फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होंगे तो स्नो निकल करके नहीं होगा ठीक है तो हम बात करते हैं यहाँ पर तो एट द फ्रीजिंग पॉइंट एट द फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा तो so, हम बात करें इन दोनों का मतलब तो क्या ही होगा सेम होगा जस्ट अब फ्रीजिंग पॉइंट तो नहीं होगा लेकिन बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा स्नो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर बीस की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर निकल करके आएगा इक्कीस नंबर की बात करो फटाफट पड़ से इक्कीस नंबर की बात करो फटाफट से द हाइएस्ट पॉइंट ऑन अरेज वे कैरेज वे अब ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं तो बताओ ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं तो बताओ क्या होता है जो मोस्ट पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं

तो नाइट लैंडिंग के केस में जो थ्रश होल्ड लाइट होती हैं वो किस कलर में निकल करके आती हैं अब देखो गलत होना चालू होंगे बेटा येलो जो होती हैं वो रनवे पर होती हैं और थ्रश होल्ड पर जो होंगी वो ग्रीन कलर में होती हैं थ्रश होल्ड पर क्या होती हैं ग्रीन कलर में होती हैं और येलो जो होती है वो रनवे के ऊपर होती है और व्हाइट लाइट किसके लिए यूज करते हैं व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट भी हम यूज करते हैं साइड के लिए हम बात करते हैं व्हाइट लाइट यूज करते हैं और रेड लाइट कहा यूज करते करते हैं हैं डेंजर जोन के लिए हम क्या रेड लाइट को यूज कर रहे होते हैं डेंडर जोन के लिए क्या होते हैं रेड लाइट को यूज कर रहे होते हैं तो बाईस नंबर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फोर जो होगा वो हमारा राइट right आंसर होगा तेईस नंबर की बात करो नेम द ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एड्स हाँ इसमें हम बात करते हैं ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट और उसके सहायक उपकरणों के बारे में बताओ कौन कौन से हैं आज दोनों पायल में से एक भी नहीं है ओके, okay. ओके, भारती, okay. नहीं आ रही है काफी दिनों से होमिना ओके, okay. चलो नेम द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एड्स अगर हम बात करते हैं हम बात करते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट तो देखो सेट स्क्वायर भी क्या है एक तरीके का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में अगर टेम्पलेट्स की, तो तो की बात करें पर, तो टेम्पलेट्स भी क्या है तो ये कंडीशन ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा तो हम बात करेंगे क्या होगा राइट आंसर निकल करके आएगा तो तेईस की बात करेंगे हम बात करते हैं यहाँ पर तो तेईस की बात करेंगे ऑप्शन नंबर टू चौबीस की बात करेंगे फटाफट से चौबीस का आंसर दो फटाफट से चौबीस का आंसर दो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो फाइंड आ डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड अब कैंटीलिवर का अब बताओ ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं तो बोलो तुम तो बोल रहे थे कि आरआरबी हार्ड होता है चार क्वेश्चन देख करके तुमने हार्डनेस डिसाइड कर ली कौन बोल रहा था हारा भी हार भी हार्ड होता है देखो ये है हमारा कैंटिलीवर फ्री एंड पर क्या कर रहा है एक पॉइंट लोड लगा दिया है है ये एल लेंथ निकल के आ रहा है. तो कितना हो जाता है तो हम हैं एल अपॉन थ्री थ्री ई आई निकल करके आएगा तो पी एल अपॉन कितना हो जाएगा थ्री ई आई निकल करके आएगा ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर एक कंडीशन निकल करके आएगा हाँ ऑप्शन गलत है ऑप्शन गलत है टाइपिंग एरर हो सकता है टाइपिंग एरर हो सकता है बट हम बात करेंगे पी एल क्यू अपॉन कितना थ्री आई निकल करके आता है कितना होता है पी एल क्यू अपॉन थ्री ई आई निकल करके आ रहा होता है और अगर स्लोप देखा जाए तो कितना होगा टू ई आई निकल करके आएगा स्लोप देखा जाए हम बात करते हैं यहाँ पर तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये कंडीशन निकल करके आएगा तो हमारा ट्वेंटी फोर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा राइट right आंसर निकल करके आएंगे ठीक है तो हम बात करेंगे चौबीस नंबर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर पच्चीस नंबर की बात करो फटाफट फराबर क्रेन मीन eot crane का मतलब क्या है eot crane का मतलब क्या है eot crane means अगर eot की बात करेंगे 15 मिनट बेटा 45 मिनट से क्लास चल रही है नब्बे? एक तो नब्बे हर सेशन में 30 35 मिनट के बाद ज्वाइन करेगी फिर बोलेगी 15 मिनट में इतने क्वेश्चन हो गए बेटा सैटरडे संडे है तो मॉक टेस्ट चलते हैं ना अपने याद है ज्यादातर क्वेश्चंस अपन इस तरीके से करते हैं ईओटी क्रेन का मतलब क्या है ईओटी क्रेन का मतलब क्या है ईओटी क्रेन का मतलब है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग मशीन निकलकर क्या है कौन सा है? इलेक्ट्रिक ओवरहेड हम बात करते हैं यहां पर एक बार फिर से जाना पुराने सेशन को देखना मैंने बारह तीस बोला था या बारह बोला था उसके बाद अपन बात करेंगे इन लोगों से तो मैं पूछूंगा ही नहीं क्योंकि ये लोग बोल देंगे बारह बोला था ठीक है नब्बे आप ही पुराने सेशन में जाना फिर देखना ठीक है साहब एक एक प्रूफ छोड़ के आया हूँ वहां पर कि तुम इल्जाम लगा ही ना पाओ चलो ठीक है चलो हम आके पच्चीस नंबर का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन निकल करके आएगा तो पच्चीस नंबर का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर होगा डेविड ऑन हिल डेविड ऑन हिल वी लाइक कि सर आगे बढ़ो यार कहा कर रहे हो आप बातें चलो तो देखो यार ये तो आंसर रिलीज हो गया यार बड़ा दुख हुआ इसका मुझे पच्चीस नंबर छब्बीस नंबर का आंसर रिलीज हो गया चलो मैं इसके सामने खड़ा हो जाता हूं तुम्हें तो कुछ दिखेगा नहीं छब्बीस नंबर की बात करेंगे चलो छब्बीस नंबर की बात करेंगे फटाफट से आंसर दो छब्बीस नंबर की बात करेंगे आंसर दो क्या होगा तो अगर देखो इन केस ऑफ द पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम अगर पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे इज नॉट अवेलेबल इन द लोकेलिटी अगर पब्लिक हम बात करते हैं यहाँ पर तो नॉट अवेलेबल हम बात करें लोकेलिटी देन द स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर द वेस्ट वाटर फ्रॉम द टॉयलेट इज नोन एज द क्या सेप्टिक टैंक बोला जाएगा उसको क्या बोला जाएगा सेप्टिक टैंक बोला जा रहा होता ठीक है अब ओवरहेड टैंक की बात करें डोमेस्टिक वाटर को स्टोरेज करते हैं कमर्शियल वाटर स्टोरेज से तो हम बात करते हैं ओवर द हेड हम यूज करते हैं तो उसको ओवरहेड टैंक सेप्टिक टैंक की बात करें वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने के लिए संप टैंक की बात करें क्या होगा अंडरग्राउंड और पार्शियली अंडरग्राउंड टैंक होता है जिसको लार्ज वाटर टैंक स्टोरेज के फॉर्म में हम यहाँ पर यूज करते हैं लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक के फॉर्म में हम क्या करते हैं जनरली यहां पर यूज करते हैं ठीक है थीके? और स्टोरेज टैंक की बात करेंगे मल्टीपर्पज यूज के लिए हम बात करते हैं स्टोरेज को लिक्विड करने के लिए लिक्विड को स्टोरेज करने के लिए हम बात करते हैं स्टोरेज टैंक को यहाँ पर यूज करते हैं इसलिए ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर तो ये कंडीशन निकल करके आया छब्बीस नंबर का सत्ताईस नंबर का आंसर दो फटाफट से सीयू टेस्ट की बात कर रहा है सत्ताईस नंबर का आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द दफ्ट्रोपियल टेस्ट ट्राइ टेस्ट की बात कर रहा है

ये पक्का है अन तो सी तो हो नहीं सकता है या ड्रेन तो हो भी नहीं सकता क्यों। नहीं क्योंकि ड्रेन कंडीशन नहीं होगी क्योंकि अनलोडिंग प्रॉब्लम में बात करते हैं वहां पर निकल करके आएगा तो या फिर ए होगा या फिर सी होगा सच इज ऑफ अगर एक्सकेवेशन करना है तो तुम क्या यूयू कंडीशन में जाओगे अनकंसोलिटेटेड यूयू कंडीशन में जाओगे अनकंसोलिडेट के सी में जाओगे सीयू में जाना पसंद करोगे ना

भैया वो बोल रहा है इमीडिएट स्टेबिलिटी चाहिए अनलोडिंग प्रॉब्लम में और अनलोडिंग प्रॉब्लम में तो अंड्रेन निकल के आएगा लेकिन एक्सकेवेशन पहले किया गया और एक्सकेवेशन इस तरीके से करना है कि स्लोप स्टेबल हो तो एक्सकेवेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा पड़ेगा कंसोलिडेट सो कैसा होगा कंसोलिडेटेड निकल करके आएगा कैसा होगा कंसोलिडेटेड टेस्ट निकल करके आएगा इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं यहां पर हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर वन हम बात करते हैं यहां पर ये यह कंडीशन निकल गई सत्ताईस नंबर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर 28 की बात करो फटाफट से अट्ठाइस दो फटाफट से बताओ मतलब वाला चैप्टर है यहाँ पर तो क्या होगा उसको क्या बोलेंगे अगर चेंज आ रहा है तो उसको बोले कंप्रेसिबिलिटी कंसोलिडेशन कब बोलते हैं जब एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर होता है अगर एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर निकल करके आता तो उसको क्या बोलते हैं कंसोलिडेशन अगर कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ऐसा नहीं बोलेंगे इनिशियल कंसोलिडेशन इनिशियल कंसोलिडेशन का मतलब भी क्या होगा एक्सपेंशन ऑफ of... पोर वाटर प्रेशर निकल करके आएगा एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर इसलिए ज्यादा बेटर आंसर क्या है कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी और एंड uh, दोनों को ऑन कर रहा होता है दोनों को क्या कर रहा होता है एड ऑन कर रहा होता है दोनों की बात हम यहां पर कर रहे होते हैं अट्ठाइस नंबर का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर टू होगा उनतीस नंबर का आंसर क्या होगा द परमानेंट वैल्यू सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो आज शाम को दस बज के पैतालीस मिनट पर लाइव आऊंगा टेलीग्राम पर आपसे कुछ बातें करने के लिए वहां पर हम बातें करेंगे ठीक है सभी लोग और जो भी डाउट होते हैं किस तरीके से पढ़ना है क्या होना है तो वो छोटी-छोटी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं और जो लोग लास्ट टाइम थे improvement हुआ है है यानी वो भी मेरे को report वहां दे देना आज ठीक तो so, हम बात करते हैं कंडीशन ट्वेंटी अप टू दी सिक्सटी डिग्री भैया क्या बोल रहा है रैपिड क्यूरिंग अगर रैपिड क्यूरिंग की बात करें सुना सुनो अगर रैपिड क्यूरिंग की बात करते तो रैपिड क्यूरिंग केस में क्या निकल के आएगा देखो रैपिड क्यूरिंग कब होता है कटबैक की बात करेंगे जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिला रहे होते हैं पेट्रोल मिला रहे होते हैं या फिर हम बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करेंगे अगर मीडियम क्यूरिंग की बात करेंगे तो क्या होगा कैरोसिन हम बात करते हैं हाई डीजल तो ये कंडीशन मिलाते हैं और अगर हम बात करते हैं रैपिड की बात क्या होता है स्लो क्यूरिंग स्लो क्यूरिंग में क्या होगा आपका स्लो क्यूरिंग में जो निकल करके आएगा वो क्या होगा हाई बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड हो रहे होते हैं तो इस केस की बात करेंगे तो रैपिड फ्यूरिंग कटबैक के केस में कितना होता है टेम्परेचर हम बात थ्री तो सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड तो कितना होगा अस्सी से लेकर के एक सौ बीस के बीच में निकल करके आ रहा होता है ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर एक कंडीशन निकल करके आएगा तो ये कंडीशन निकल करके आ रही होती है थीके? तो हम बात करते हैं यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे देखो अगर देखा जाए तो यहाँ रैपिड 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 बोला गया है और ये क्या मीडियों, मीडियों, मीडियों. तो बोला गया मीडियम 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 तो देखो यहां पर मीडियम बोला गया रैपिड बोला गया तो रैपिड के लिए जो वैल्यू है वो कितना है रैपिड के लिए जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो कहता है अस्सी से एक मीडियम के लिए 120 से 150 सौ पचास निकल करके आता है कितना 120 से हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये कंडीशन निकल करके आ रहा होता है ये कंडीशन निकल करके आ रहा होता है इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा हो ये टेबल समझ में आई दूसरा यहाँ पर विस्कोसिटी दी गई है जो सेंटी स्टॉक्स में दी गई है तो हर एक के लिए विस्कोसिटी जो है वो सेंटी स्टॉक्स में यहाँ पर मैंशन कर दिए अब देखो अपन एक चीज बोलते हैं आर सी थ्री और अगर आर सी थ्री की बात करें और एमसी थ्री की विस्कोसिटी सेम है तो इस टेबल से देना ठीक है आर सी सेवनटी और एम सी सेवनटी देख लो इनकी विस्कोसिटी देख लो सेवन से लेकर के सेवनटी से लेकर के वन फोर्टी सेंटीपॉइस और इसकी भी कितना सेवेंटी से लेकर के वन फोर्टी सेंटीपॉइज क्या डेटा से ये चीजें क्लियर हुई 250 की देख लो 250 से 500, 250 से 500, ठीक है 800 की देखो 800 से 1600, हम मानते हैं 800 से 1600, क्या ये चीज क्लियर हुई जो हम बोलते हैं वो सही है गलत है ये जो हम बोलते हैं कि अगर हम बात करते हैं इनकी विस्कोसिटी क्या होगी सेम होगी लेकिन अगर लोअर ग्रेड है तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी और हायर ग्रेड जैसा जैसा होता जाएगा विस्कोसिटी ज्यादा होती जाएगी एस लो लो एस पहले एक डबल एस करके गाड़ी भी आती थी हो गया हो गया एस तो ये डेटा समझ में आया जो हम बार बार बात करते थे कटबैक में क्या वो समझ में आई बिल्कुल हमने यहां पर प्रॉपर बात यहां पर की है और ये क्वेश्चन अगर तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो डेफिनेटली ये डाटा भी तुम पहली बार देख रहे हो ठीक है मैं समझ गया हूं ये बात को ये बात समझ गया हूं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो तो हम बात करते हैं यहां पर एक कंडीशन निकल करके आती है तो यहां पर 29 की बात करते हैं यहां पर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो हमारा राइट right आंसर निकल करके आएगा 29 अब हम बात करेंगे 30 नंबर की 30 नंबर का क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में रखता हूं और इसको कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर करके बताएंगे और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे सेशन कैसा लगा और बाकी बच्चों के लिए एक फीडबैक कमेंट जरूर मेंशन करो अपना अपना ठीक है बाकी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा ठीक है अब देखो यहां पर मैं बात करता हूँ लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर कल का क्वेश्चन का अब हटा कल के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो कल के क्वेश्चन का आंसर देखो वॉटर फ्लोज इन टू अस्ट टैंक ऑफ अ फ्लोट हम बात अट हैं देखो वॉटर यहां पर फ्लो हो रहा था एच की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी अब देखो यहाँ पर क्या था ये वॉटर था ये वाटर यहां पर भरा हुआ है और यहां पर क्या कर दिया है नीचे की साइड पे एक होल कर दिया है अब यहां होल से जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा अंडरवुड टू जी एच निकल करके आएगा यानी हाँ यानी तो यहां से हम बात करें क्यू इन था और यहां से क्यू आउट था तो क्यू इन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए क्यू आउट होना चाहिए यानी और क्यू आउट की वैल्यू कितना एरिया इन टू वैलोसिटी और वेलोसिटी की वैल्यू अंडरवुड टू जी एच लगा दोगे

नाइस सेशन ऑप्शन नंबर बी बी नहीं होगा नेहा ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा होगा तो यहाँ पर चेक करना लोग चेक कर लेना एक बार हम बात करते हैं है, तो अनिल ने आंसर टू दिया हुआ है शहर ने आंसर ए दिया ए की है और आई थिंक ए ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर आ रहा होगा ठीक है ओके तो ये कंडीशन निकल कर गया दूसरा चीज टेलीग्राम पे लाइव आना तो टेलीग्राम कहाँ मिलेगा आपका टेलीग्राम हम बात करते हैं यहाँ पर ठीक है तो ये कंडीशन निकल करके आएगा तो अगर हम बात करते हैं यहां पर ये क्वेश्चन करवा दें बेटा करके एक बार ट्राई करना टेलीग्राम पे मैसेज करना फिर मैं वहां पे भेज दूंगा ठीक है बहुत बढ़िया तो ब्रॉक ने आंसर दिया था पता नहीं यार कहां तुम लोग के आंसर चले जाते हैं तो देखो यहाँ पर देखो, जो है वो टेलीग्राम चैनल यहाँ से मिल जाएगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो वो है वैभव सर सुपर कोचिंग ठीक है और हम बात करेंगे यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा आपको क्विज भी मिलता है डेली शाम को सात से नौ के बीच में और बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल रहा होता है ठीक है तो हम बात करेंगे ये कंडीशन निकल करके आती है दूसरा अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर सो साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा ए के लिए कंप्लीट पैकेज मिल रहा है जिसमें मेरे कोर्सेज भी होंगे और जहां पर कंसेप्ट की क्लैरिटी अलग ही लेवल पर लेकर के जाऊंगा मैं आपके लिए ठीक है और कहीं हम बात करते हैं किस तरीके से लेकर के जाना वो भी मैं यहाँ पर बात करूंगा ठीक है साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर एस एस जेई सिविल का सब्सक्रिप्शन आर आरबी जेई का सब्सक्रिप्शन हम बात करते हैं सफलता बैच हम बताएसएससी जेई सिविल बैच और मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स सभी कुछ आपको मिलेगा एक ही सब्सक्रिप्शन में देन हम बात करते हैं यहाँ पर तो so, uh, हम बात करते हैं यहाँ पर नॉन टेक्निकल भी मिलेगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर रीजनिंग uh, एप्टीट्यूड सब कुछ मिलेगा और करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस मिलने वाली हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी साथ ही साथ मैं बात करूंगा इसमें आपके लिए क्या मिलेगा स्टडी नोट्स मिलेंगे और छह हजार से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन ही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टप करते हैं जो कि यहाँ पर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं ठीक है देन हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा आपको सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है सिविल का जिसको फोर में आप लोल कर सकते हैं बट यहाँ पर क्या करना इतने में लोल मत करना थोड़ा सा और डिस्काउंट करते हैं इसमें ठीक है तो अप्लाई करेंगे कूपन कूपन की बात करेंगे क्या होगा तो वी ए आई वी एच ए वी और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई करोगे अरे यार ठीक है तो हम वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई करोगे यही सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको कितना फोर टू एट नाइन में मिल रहा होता है कितना फोर टू एट नाइन और स्टिल आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिले तो मैं बोलूंगा आपको पी क्यू बुक के साथ एनरोल कीजिएगा वो फोर फोर टू एट में मिलने वाला है आपको तो इनरोल कर लो और आप ई हैं आई पर भी इनरोल कर सकते हैं ई एम पर भी इनरोल कर सकते हैं ठीक है गोयल बहुत बढ़िया चलो सो थैंक यू एवरीवन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद ठीक है सो थैंक यू एंड लव यू गाइस मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल 11 बजे कोई भी नहीं मिस करेगा क्लास को ठीक है चलो Thank you. Thank you so much.